हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए ए राय हक के शहीदों सॉन्ग का रिएक्शन। एंड ये जो सॉन्ग है ये भी कोक स्टूडियो का सॉन्ग है, लोगों ने भेजा कि एक बहुत ही कमाल का सॉन्ग है। एंड लाइक किस तरीके से इसमें क्या बताया गया है, मेरे ख्याल से ये जो है जो आर्मी मैन होते हैं उनकी जो शहीदी दी गई होती है उसके ऊपर हो सकता है, या फिर ये APS के जो मार्टियर्स थे उनके ऊपर भी हो सकता है। वो चीज़ हमें देखनी होगी कि किसके ऊपर ये बनाया गया है और लाइक क्या इसमें बताना चाह रहा है। लाइक अभी कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जितना जानेंगे उतना ज़्यादा पता लगेगा, तो मैं सॉन्ग ज़रूर देखना चाहूँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है तो ये बेसिकली उन शहीदों पर है जो मतलब जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए लड़े थे लोग, उनके लिए है कि जो मतलब बॉर्डर पे लड़ाइयां करते हैं, बेसिकली आर्मी ऑफिसर के लिए गाना हो सकता है। क्योंकि इसका मेरे को यही मतलब लग रहा है कि इन्होंने शायद वही एड्रेस किया है उन आर्मी ऑफिसर को जो बेसिकली मरे हैं अपने देश के लिए, शायद इसमें यही एड्रेस किया है। और सही बोलूं, हम लोगों को ना लिटरली ऐसे सॉन्ग सुन के ना बुरा भी लगता है और ऐसा भी हो जाता है कि यार क्यों क्यों क्यों, मतलब अभी भी दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और मुझे ऐसे मैक्सिमम ऐसा ही है कि जो जितनी भी फाइट्स होती है इंडिया और पाकिस्तान की, वो इन दोनों कंट्रीज के बीच ही होती है, ऐसा भी नहीं कि थर्ड कंट्री की किसी के बीच होगी। तो यार हम लोगों को मतलब इतना टाइम साथ रहने के बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं, और जबकि हम लोग एक ही मतलब कहते हैं ना सभी हम लोग पार्ट हिंदुस्तान का, तो उसके बाद ही हम लड़ रहे, तो वो चीज़ गलत है। हम लोगों को सही में प्यार से रहना चाहिए। अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को जैसे जैसे हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ठीक है पुरानी बातें हैं, उन पुरानी बातों के लिए क्या ही लड़ना, और हमें नए से नए स्टार्ट करना चाहिए। तो देखते हैं फिर ये गाना कैसे होने वाला है और देखते हैं कि एक्चुअल में जो ये गाना है वो किसके लिए। वही तो देख लेते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान के नाम। ये आमिल आमिर मैन के लिए लग रहा है। हाँ हो सकता है। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं, सलाम है लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दे तुमने, बचा लिया है यतीमी के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजा, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है, ऐ हक के शहीदों। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लिटरली मुझे सबसे अच्छी एक चीज़ लगी कि ये जो बेसिकली गाना गाया है ये अलग अलग सिंगर्स ने गाया, अपना अपना पार्ट जिन जिन ने गाया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ किसी चीज़ को बहुत शांति मिलती है और
किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसे मेलोडियस होती है, और सीरियसली में जितने भी सिंगर्स थे ना बहुत ही ज़्यादा इनकी कामिंग वॉइस थी और बहुत ही मेलोडियस वॉइस थी। लिटरली मेरी ना जब स्टार्टिंग हुई मुझे वैसे ही गूज बम्स आ गए, बहुत ही सुंदर स्टार्टिंग हुई थी इनकी, और एक से बढ़कर एक सिंगर्स थे। हम ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे ये वाले सिंगर का पार्ट अच्छा लगा या फिर इस सिंगर का पार्ट अच्छा लगा, और सभी बहुत ही अलग थे, सबकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अलग थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सुंदर ये गाना गाया है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि शायद नए पाकिस्तान के लिए, उसके लिए ही था, आर्मी के लिए ही था। तो यार सीरियसली हम लोग आर्मी में बहुत ऐसे लोग हैं कि मतलब जो अपनी जान गंवा लेते हैं सिर्फ अपने देश के लिए, तो यार हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कहाँ मर्जी की आर्मी हो। और मैं हम तो यही चाहते हैं बेसिकली कि यार जो बेसिकली पूरा वर्ल्ड हो उसमें बस पीस हो, उसमें अमन हो, और क्या ही चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। अब लोग हमारे देश में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हर दिन बहुत ही बुरी बुरी न्यूज़ आती है, कहीं ये हो गया, कहीं ये हो गया, कभी ये हुआ। लेकिन बस अगर ये अच्छी न्यूज़ आ जाए ना कि जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है वो अब ख़त्म हो गया, वो प्यार से रहेगी, तो यार सीरियसली यही सबसे बड़ी न्यूज़ हो गई। ठीक है, अपने देश का तो सब कर ही लेंगे, वो तो अंदर है, वो तो धीरे धीरे चीज़ें आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना हो जाए ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए, तो सही में बहुत बड़ी चीज़ होगी वो। और बहुत ही सुंदर गाना था, और मुझे सही बोलूँ ये गाना से ना मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे एक इंडियन गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी, मुझे बहुत ज़्यादा सेम ऐसी वाइब्स आ रही थी, और सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे गाना लगा। वही, और सबसे पहले हमें कोक स्टूडियो की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने क्या इमेजिन किया कि उन्होंने सारे सीजन 9 में जो सिंगर्स आए होंगे सब लोगों से ये एक 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 पार्ट गवा दिया, और उसका फिर एकदम अमेलगमेशन करके हमारे सामने पेश किया, और कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट निकला है। एंड लाइक ये उनका शायद इंट्रो होगा, बिकॉज उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि सीजन 9 आ रहा है। सो लाइक इस तरीके से इन्होंने अपना सीजन 9 का स्टार्टिंग किया है कि उसके बाद सीजन 9 सुपर हिट गया ही होगा। एंड बाकी क्या सॉन्ग था यार, किस तरीके से लाइक वो लास्ट में तो आप इतना ज्यादा इमोशनल फील करते हैं ना, एंड जब अबीदा परवीन जी गाते हैं, जब राहत फतेह अली खान जी गाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे सिंगर्स आए थे जिनका हमने तो सुना नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आपकी रूह को कपा देती है, इस तरीके से उनकी आवाज है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाया गया था, एंड साथ में उसके लिरिक्स इतने प्यारे, और जो जो लोगों को आपको पता नहीं था लाइक मैं भी शायद, और सब सारे जो जो नॉन सिंगर्स भी हैं वो भी इसके साथ जुड़े थे और इसके साथ मिलके गा रहे थे। और मेनली क्या है, वही जैसे वंशिका बता रही कि आर्मी मैन के साथ तो सबकी अटैचमेंट होती है, बिकॉज वो लोग जो है अपनी जान देने को तैयार होते हैं हमारे लिए, और हम कुछ मतलब हमसे लेते भी नहीं, हमसे कुछ करते भी नहीं, उसके बाद भी वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। सो लाइक उनसे ज़्यादा कोई सर्विस कोई और नेशन को नहीं कर सकता, तो वो चीज़ है उनकी। सो लाइक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, आप लोग कैसे लगा जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।